स्मिता क्या कर रही हो? देख रही हो ना मैं काम कर रहा हूं? संजू, हर वक्त सिर्फ काम काम और काम, ऑफिस में काम, घर में काम, हर जगह सिर्फ काम। मेरी भावनाओं की कोई कदर है? मेरी जरूरतों की कोई कदर है? नहीं ना। माँ तुम्हें बन नहीं सकती। तुम्हारे प्यार से संजू मेरे से नहीं हो रहा है, मेरे से नहीं होगा। मुझे प्यार करो, मुझे नहीं पता तुम्हारे काम का, मुझे प्यार करो बस। संजू प्लीज, नहीं नहीं मैं नहीं छोड़ूंगी। पता है ना तुम्हें, समझते क्यों नहीं हो तुम? सॉरी बेबी, मैंने तुम्हें हर्ट किया, बट तुम मेरे प्रॉब्लम को समझ सकती हो ना। 6 साल हो गए, एक बच्चा नहीं दे पाया तुम्हें। डॉक्टर्स कहते हैं कि अब मेरे बॉडी में स्पर्म प्रोड्यूस नहीं हो पा। इस बात से अपने आप को समझाया था कि अब सेक्सुअल डिस्फंक्शंस की प्रॉब्लम शुरू होगी। इलाज करा करा करके थक गया हूं मैं। दोस्तों, जिंदगी में हर एक रिश्ते को आपस में जोड़ कर रखने का काम एक ही चीज करती है, और वो है भरोसा। नमस्कार, मैं हूं राजीव भारद्वाज, और गुनाह के एक नए एपिसोड में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि मैंने कहा, भरोसा किसी भी रिश्ते की नींव होती है, सबसे महत्वपूर्ण पहलू होता है रिश्ते का। लेकिन यही भरोसा उस वक्त टूट जाता है जब हम जज्बाती होकर केवल और केवल खुद के बारे में सोचने लगते हैं, खुद की खुशियाँ, खुद की ज़रूरतों के बारे में सोचने लगते हैं। हमारी आज की कहानी भी बिल्कुल वैसी है। ऊपर से देखने पर तो संजय और स्मिता का रिश्ता एकदम सामान्य लगता है, एकदम नॉर्मल। लेकिन स्मिता की माँ बनने की इच्छा और उसकी खुद की शारीरिक ज़रूरतें क्या इन दोनों के रिश्ते को सामान्य रहने देंगी? और कहीं आगे चलकर इन दोनों के रिश्ते में ये दरार तो नहीं बन जाएंगी? आइए देखते हैं। सॉरी यार, आज मुझे ऑफिस के लिए लेट हो गया। मुझे टिफिन दे दो, मैं ऑफिस में खा लूंगा। क्या हुआ स्मिता? अरे कुछ बोलो भी। कुछ नहीं तो फिर गुमसुम क्यों रहती हो तुम आजकल? अरे हाँ, मैंने तो कल तुम्हें एक बात बताना ही भूल गया। जानती हो, कल बहुत सालों के बाद मेरा दोस्त मिला राकेश। उसके भाई का भी वही प्रॉब्लम था जो मेरा प्रॉब्लम है। उसने कोई डॉक्टर और तिलास से ट्रीटमेंट ली और आज वो खुश है। और पता है तुम्हें, उसको बच्चा भी हुआ है। मैंने उससे उस डॉक्टर का नंबर और एड्रेस ले लिया। सुन रही हो ना तुम? तुम्हारा गुस्सा कर सकती हो, पर मैं तुम्हें कैसे समझाऊं कि मैं कितना परेशान हूँ? मुझे पता है तुम घर में अकेली रहती हो। वो कहते हैं ना, एम्प्टी माइंड इज डेविल्स हाउस। मेरा मतलब, जब एक्टिंग क्लास शुरू हो जाएगी, कुछ बच्चे आ जाएंगे, तो उनके साथ मिक्सअप हो जाओगी, तो तुम्हारा थोड़ा दिल बहल जाएगा। एक्टिंग क्लास? एक इंक्वायरी तक नहीं आई है एक्टिंग क्लास। अरे बस इतनी सी बात, कल न्यूज़पेपर वाले से मिल करके कुछ पंपलेट छपवा लेते हैं, थोड़ा एडवर्टाइज हो जाएगा, लोगों को पता चल जाएगा, तो धीरे धीरे स्टूडेंट्स आना शुरू हो जाएंगे। डोंट वरी, तुम्हारा एक्टिंग का क्लास बहुत जल्द शुरू हो जाएगा। ओके, नाउ आई एम गेटिंग लेट, मिलता हूँ शाम में। यस, हेलो मैम, माई सेल्फ आर्यनपुरी। वो बाहर एक्टिंग एकेडमी का बोर्ड देखा, तो उसके बारे में इंक्वायरी करनी थी। हाँ हाँ जी, आप स्मिता मैम हो? जी जी, मैं ही हूँ। आओ अंदर हो, बात करते। थैंक यू। आर्यन, तुमने इसके पहले कभी एक्टिंग क्लासेस वगैरह कुछ किया है? आई मीन कोई फॉर्मल ट्रेनिंग और समथिंग लाइक दैट? मैम, एक्टिंग क्लासेस वगैरह तो नहीं ली मैंने, और ना ही कोई फॉर्मल ट्रेनिंग ली है। एक्चुअली कभी इन सब का मौका ही नहीं मिला।
लेकिन मैम थोड़ा बहुत स्टेज पे परफॉर्म किया है मैंने, तो अभी बस एक्टिंग में करियर बनाना चाहता हूँ अपना। गुड, बट एक्टिंग सीखने से नहीं, ऑब्जर्वेशन से आती है। आई मीन एक्टिंग इज ऑल अबाउट ऑब्जर्वेशन, फीलिंग एंड एग्जीक्यूशन। एनीवेज, जब मैं क्लासेस करवाऊंगी तब मैं ये सब सिखा दूंगी। मैम क्लासेस कब से स्टार्ट हैं? जल्दी शुरू करेंगे, कुछ और स्टूडेंट्स मिल जाए तो एक साथ एक इंस्टीट्यूट टाइप खोल देंगे। लेकिन हाँ, शाम के 4 बजे के बाद करेंगे। तुम्हारा क्लास कल से यहीं शुरू कर देते हैं, जब कुछ और स्टूडेंट्स मिल जाएंगे तो उसके बाद फिर कोई और जगह देख के एक बैच शुरू कर देंगे, इफ इट इज़ नॉट अ प्रॉब्लम फॉर यू। नो मैम, ठीक है, तो फिर मैं कल से शाम को 4 बजे आ जाता हूँ। कल से आ जाओ। ओके मैम, थैंक यू। संजय, मुझे लगता है तुम्हें अभी और न्यूज़पेपर के जरिए ये एक्टिंग क्लास के ऐड देने की ज़रूरत नहीं है। क्यों, क्या हुआ? आज एक स्टूडेंट आया था, ज्वाइन किया है, शायद अभी एक एक करके स्टूडेंट बढ़ जाए। चलो ये तो अच्छी बात है, तुम्हारा मन भी बहल जाएगा। आई होप सो। तो क्या हुआ अगर मैंने झूठ सिर्फ तुम्हें पाने के लिए कहा था? तो क्या हुआ अगर मैम डायलॉग भूल गया? आर्यन, एक्टिंग सिर्फ डायलॉग बोलना नहीं होता है, मैं कल से तो यही कह रही हूँ, एक्टिंग इज ऑल अबाउट ऑब्जर्वेशन। पहले ऑब्जर्व करो, फिर इमेजिन करो, देन यू फील इट, उसके बाद एग्जीक्यूट करो। जिस दिन जिस पल तुम इस स्क्रिप्ट में जो किरदार है उसके आत्मा को छू लोगे, उस कैरेक्टर को जी लोगे, उसके बाद तुम्हें डायलॉग याद करके बोलने की ज़रूरत नहीं होगी, तुम अपने आप डायलॉग बोलोगे, तुम्हारे अंदर से वो सारे डायलॉग्स अपने आप बाहर निकलने वाले। ठीक है मैम, मैं समझ गया, एक बार फिर से ट्राई करता हूँ मैं। तो क्या हुआ अगर मैंने झूठ सिर्फ तुम्हें पाने के लिए कहा था? नहीं जम रहा मैम। ऐसे नहीं जमेगा, यू हैव टू फील इट। ओके, लेट्स डू इट लाइक दिस। तुम इमेजिन करो कि तुम्हारे सामने तुम्हारी गर्लफ्रेंड खड़ी है, ओके, और फिर तुम ये सारे डायलॉग्स। मैम मेरी तो कोई गर्लफ्रेंड है ही नहीं। तुम्हारी गर्लफ्रेंड नहीं है, पर ये जो कैरेक्टर है इसकी तो गर्लफ्रेंड है ना। अभी तुम लाइन्स इस कैरेक्टर्स के बोल रहे हो, सो यू हैव टू फील इट। तुम्हें इसके आत्मा को छूना होगा, इस कैरेक्टर की आत्मा को जीना होगा, तो तुम्हें महसूस करना होगा कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड है। ओके, लेट्स डू इट इन दिस वे। मैं तुम्हारे सामने खड़ी हूँ, ये सोच लो कि फिलहाल मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड हूँ और तुम तुम्हारे लाइंस बोलो। मैं ट्राई करता हूँ। तो क्या हुआ अगर मैंने झूठ तुम्हें सिर्फ पाने के लिए कहा था? तो क्या हुआ कि अगर तुम्हारे चेहरे के अलावा कोई दूसरा चेहरा मुझे दिखाई नहीं देता? तो क्या हुआ अगर नहीं हो रहा मैं। तो क्या हुआ अगर मैंने झूठ सिर्फ तुम्हें पाने के लिए कहा था? तो क्या हुआ अगर मुझे तुम्हारे अलावा और कोई नाम सुनाई नहीं देता? तो क्या हुआ अगर तुम्हारे नाम के अलावा मुझे और कोई नाम सुनाई नहीं देता? प्यार करता, प्यार तो सब कुछ नहीं होता ना। प्यार घबराई क्यों नहीं रही वो
एक्टिंग सेशन चल रहा है ना इसलिए तुम इतनी जल्दी आ गए? अरे काम जल्दी खत्म हो गया तो जल्दी आ गया। अच्छा बाय द वे दिस इज आर्यन माय एक्टिंग स्टूडेंट। हेलो सर। बहुत सुंदर नाम है, बिल्कुल फिल्म स्टार जैसे। थैंक यू सर। मैं चलता हूँ। अरे क्यों जा रहे हो? तुम लोग कंटिन्यू करो ना, ऑफिस का थोड़ा काम रह गया, मैं बेडरूम में कर लूँगा। नहीं आर्यन आज के लिए इतना ही था, तुम कल वापस टाइम पे आ जाना, ठीक है? ठीक है मैम, बाय सर। तूने मुझे जो बन के सवेरा यूं ढूंढ लिया। स्मिता थोड़ा टीवी का साउंड कम करना, एक फोन आ रहा है। गुड इवनिंग सर जी। थैंक यू सो मच सर, थैंक्स लॉट जी। पक्का सर, कल मैं आ जाऊंगा टाइम पे। यस सर, गुड नाइट। स्मिता व्हाट अ ग्रेट न्यूज यार, विजय साहा सर ने हाँ कर दिया मेरे प्रोजेक्ट के लिए। यू नो मैं बड़ा बिल्डर बनने जा रहा हूँ, मेरा सपना पूरा होने जा रहा है स्मिता। कॉन्ग्रेचुलेशंस स्मिता, तुम खुश नहीं हो? मेरी जिंदगी में खुशियां और जरूरतें कुछ और हैं, तुम तो शायद ही कभी समझोगे। आर्यन आज हम लोग रिएक्शन पे काम करते हैं, ओके? ठीक है। बिकॉज रिएक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ एक्टिंग। रिएक्शन वो है कि सोचो मैंने कुछ एक्ट किया, उसके बदले तुमने कुछ जवाब दिया। मैं जो एक्शन करूंगी उसका तुम रिएक्ट करोगे, तो इसमें मूड पता चलता है, कैरेक्टर पता चलता है, रिलेशन पता चलता है। सो रिएक्शन इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू पोर्ट्रे अ कैरेक्टर एंड टू प्ले एनी रोल यू नो फ्रॉम योर हार्ट। जैसे मैंने अभी तुमसे कहा कि आर्यन आई एम सॉरी तुमको वेट करना पड़ा, तुम्हारा जवाब आया, इट्स ओके मैम, नो प्रॉब्लम, राइट? तुम्हारे रिएक्शन से ऐसा लगता है कि हमारे बीच जो रिश्ता है ना वो बहुत ज़्यादा फॉर्मल है, पर सोचो अगर तुम्हारे मेरे बीच दोस्ती होती, अगर हम बहुत कुल मिल गए होते, खुल के मिल रहे होते, तो क्या तुम्हारा जवाब ये होता? मेरे एक्शन पे क्या तुम्हारा रिएक्शन ये होता? नहीं होता। इसलिए आज हम इस पे काम करेंगे। ओके मैम। आज एक प्लॉट ऐसे बनाते हैं कि मैं सोच लूँ कि मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड, ओके? और तुम मुझे छोड़ कर जा रहे हो, ठीक है? ठीक है। यहाँ खड़े हो जाओ मेरे सामने। अब मैं डायलॉग बोलूंगी, मैं एक्ट करूंगी, है ना, और तुम मेरे एक्शन पे रिएक्शन करना। रेडी? यस मैम। तुम इतने पराए कैसे हो सकते हो? तुमने मेरी कोई खबर नहीं ली। ना कोई चिट्ठी, ना कोई संदेश। मैं पता भी है तुम्हारे बिना मैंने एक एक दिन कैसे काटे।